हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। सो दिस इज योगेश त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने गेट 2023 की प्रिपरेशन बहुत बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। यार, आप लोगों के लिए हमेशा ये एक सपना होता है कि जब भी मैं गेट की प्रिपरेशन करता हूँ तो सर, मैं गेट की प्रिपरेशन अगर करूँगा तो इट इज़ ऑब्वियस कि मुझे एक अच्छा PSU चाहिए। आपको हमेशा लगता है कि सर, मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या रास्ता है। और हम लोग हमेशा आपको समझाते रहते हैं कि आपके इंडिया में जो भी PSUs हैं, जिनका आप नाम सुनते हैं, HPCL, IOCL, ONGC, BPCL, जितने भी नाम सुनते हैं, वो सारे के सारे गेट के थ्रू रिक्रूट करते हैं। जब आप इन सबका नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में एक बार आता है कि सर, ONGC में जाना है मेरे को, है ना। ONGC में क्यों जाना है? क्योंकि सर, ONGC में बहुत अच्छी सैलरी रहती है एज कम्पेयर टू अदर। अगर मैं अदर PSUs की बात करूँ तो बहुत अच्छा सर फैसिलिटीज रहती हैं। तो यस, आपकी जो एक चाहत थी वो चाहत पूरी हो गई, आपका इंतजार खत्म हो गया। ONGC ने अपना नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया है थ्रू गेट 2023। तो जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि यस, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर मतलब गेट, या मैं सर, मैं चाहता हूं कि मैं ONGC में किसी तरह से सेलेक्ट हो जाऊं, तो आपको मैं पहले बता देता हूं कि क्या नोटिफिकेशन आया, कैसे आया, आप इसके बेसिस पे अपना जो भी आगे की प्रिपरेशन या आगे की स्ट्रेटजी है रख सकते हैं। चलिए, तो ये ऑयल महारत्ना ONGC लुकिंग फॉर यंग ब्राइट एग्जीक्यूटिव एट इवन लेवल एंड इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं थ्रो गेट 2023। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, उसने क्लियरली मेंशन कर रखा है गेट 2023। तो जो लोग भी 2023 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अभी से बिल्कुल एकदम से कमर कस लीजिए। और आपको फॉर्म कैसे भरना है वो अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज द टारगेट लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट अराउंड कितना है बेटा, 70% ऑफ द इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आई यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी लार्ज कंपनी, 70% ऑफ द टोटल इंडियन डोमेस्टिक लार्ज जो प्रोडक्शन है। वी आर लुकिंग फॉर द यंग प्रोमिसिंग एंड एनर्जेटिक एस्पिरेंट विद ब्राइट एकेडमिक रिकॉर्ड टू ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्लास वन एग्जीक्यूटिव। ये आपको जो लेने जा रहे हैं वो इवन लेवल पे हायर करने जा रहे हैं। इवन मतलब जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो एग्जीक्यूटिव वन, एग्जीक्यूटिव टू, एग्जीक्यूटिव थ्री, ये आपका लेवल रहता है। तो इवन लेवल पे आप जा रहे हैं इन इंजीनियरिंग जियो साइंस डिसिप्लिन थ्रू गेट 2023। ठीक है, ONGC provide the best in class exposure to its employee in terms of the technology, pay, allowance, career growth and personal development opportunities. ONGC also offer one of the best compensation package in the country in terms of the cost to company, CTC. And the CTC is what, 23.6। और अगर आपको 23.6 BTech में पास होते होते कहीं से पैकेज मिल जाता है, आई डोंट थिंक इससे अच्छा कुछ और भी है। ठीक है, आप यहाँ से जस्ट नेम ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन, 2000 सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन द एडवर्टाइजमेंट नंबर 4, कितना है बेटा, 4/2022 RNB, ये एडवर्टाइजमेंट। मेरा बस सिंपल पहला कंसर्न है कि अगर आप पास आउट हो रहे हैं जस्ट आफ्टर बीटेक, अगर जस्ट आफ्टर बीटेक अगर आप पास आउट हो रहे और पास आउट होने के बाद बी वाले भी हैं, बी एंड बीटेक, अगर आप पास आउट होने के बाद तुरंत 23 लाख का पैकेज पा जाते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि शायद इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है, शायद इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है। अब ये करना कैसे है, मेरे ख्याल से सबको पता है कि सर, मैं मतलब तैयारी करूंगा, अपने लेवल की तैयारी करूंगा, जितनी मुझे नीड है, जितना मुझे जरूरत है वो मैं करूंगा। और ये चीज हम लोग आपको शुरू से समझाते हुए कि बेटा करना तो है और करना तो पड़ेगा यार, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना करे कुछ भी हो जाएगा। अभी गेट 2023 में बहुत टाइम बचा हुआ है, 5 महीने, और इन 5 महीने में अगर आप चाहो तो ये इतिहास जो है वो रच सकते हो। आपको अगर मैं बताऊं तो इन जनरल एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली लगभग 400 अप्रोक्स वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, 400 वैकेंसीज आती हैं अप्रोक्सीमेटली हर साल, किस में, ONGC में। ठीक है, वैकेंसीज इन ONGC, अगर 400 वैकेंसीज आती हैं तो इट इज ऑब्वियस कि 400 में लगभग मैकेनिकल की अगर मैं बात करूं तो अकेले मैकेनिकल ही लगभग 100-120 के आसपास मैकेनिकल रहता है ना। और अगर 100-120 रहता है, मतलब आपकी रैंक अगर 500 के अंदर है, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इसमें सेलेक्ट होने के। तो सबसे पहले अगर आप मैकेनिकल के हैं या किसी भी ब्रांच के हैं, आप ट्राई करिए कि आप अपने आप को गेट में अंडर 500 रैंक लाएं। अगर आप अंडर 500 रैंक लाते हैं तो व्हाट यू विल गेट,
यू विल गेट दिस पैकेज, और इस पैकेज से आप अपने पेरेंट्स का, अपना, आपके जो भी सपने हैं वो सारे के सारे पूरे कर सकते हैं। आप करना क्या है, आप अभी भी अपना जस्ट इन 5 महीने को यूटिलाइज करने के लिए, परफेक्ट तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी करो। आपको लगता है कि आप कोचिंग के थ्रू कर सकते हो, आप अभी कोचिंग के थ्रू करो। आपको लगता है आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, आप यूट्यूब के थ्रू करो। लेकिन ना करना शुरू कर दो, और अभी टाइम है। मैं आपको बताऊं, अभी टाइम है, अभी आप अपनी जो रैंक है वो अचीव कर सकते हैं। मैं अगर जस्ट एक बेसिक सा आपको एक आइडिया दे दूं, सोचो आप किसी को, अगर किसी ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कवर कर ली, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपकी 13 मार्क्स की आती है, किसी ने अगर एप्टीट्यूड कवर कर लिया तो एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का आता है। इसके साथ मैकेनिकल वाला बच्चा है, अगर उसने प्रोडक्शन तैयार कर लिया तो प्रोडक्शन लगभग 16-18 मार्क्स का आता है। इसके अलावा उसने TD एंड अगर एप्लीकेशन तैयार कर लिया तो ये भी लगभग लगभग आपका 13-15 मार्क्स का आता है। अगर आपने यहाँ से SOM तैयार कर लिया, SOM लगभग लगभग आपका 8-9 मार्क्स। थ्योरी ऑफ मशीन तैयार कर लिया, थ्योरी ऑफ मशीन लगभग लगभग 8-9 मार्क्स। और आपने इंडस्ट्रियल तैयार कर लिया तो इंडस्ट्रियल लगभग लगभग 8-9 मार्क्स। ठीक है, ये आपके बहुत, मतलब मैं 4-5 टॉपिक, 1-2-3-4-5-6-7 सब्जेक्ट, ठीक है, 28, 16, 44, 57, 57 out of 65, 65 or 873 or 881 मार्क्स हैं। इतने में आपको ONGC मिल जाएगी, इतने में आपको ONGC मिल जाएगी, अभी भी मैं बता रहा हूँ। और अगर मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स मेरे ख्याल से सबको आता है ना, मैकेनिक्स आपका 4 मार्क्स का आता है, ये लीजिए। लेकिन बस आपको मेहनत करनी है, आपको ना उस लेवल पे मेहनत करनी है। तो अभी आप प्लान करो, ये आपके ग्रेड ए सब्जेक्ट्स हैं, इनका आप प्लान करो कि नहीं मैं इन सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे अचीव कर पाऊंगा, क्या कर सकता हूँ सर मैं इन सब्जेक्ट्स के लिए। यस, तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो जस्ट मेरा आपके लिए सजेशन यही है, आप जैसे पढ़ना चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि मैं सर अड्डा के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो आप अड्डा के थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको अड्डा हमेशा अफोर्डेबल एजुकेशन, हमेशा अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ जस्ट हम लोग जाते हैं कि हमेशा आपको स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कराया है। आपको करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 का ये जो ऐप है, यहाँ पे या वेबसाइट है, उस पर जाना है। अड्डा 24/7 पे जैसे जाओगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ से जैसे ही देखोगे तो आपके सामने ये ऑल कोर्सेज आ जाएंगे। अब ये ऑल कोर्सेज में आप गेट एंड इंजीनियरिंग एंड गेट एंड ESC पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ से गेट एंड ESC पे क्लिक करेंगे तो एक तो आपके सामने ये जितने भी EEE वाले हैं, सिविल वाले हैं, उनके सामने क्रैश कोर्स है। आप ये क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं जिसमें शॉर्ट में सारी चीज़ें कराई जा सकती हैं, है ना। और भी आपके सामने, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत टाइम दे सकता हूँ सर, 8-9 घंटा मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस सिलेक्शन चाहिए, तो आप यहाँ से व्यू ऑल में चले जाना। जैसे आप यहाँ से व्यू ऑल में जाओगे, वैसे यहाँ पे आपको और भी कोर्सेज दिखेंगे। गेट 2024 के आपके जूनियर्स हैं, उनको समझा दीजिए अभी से करना शुरू कर दें। यहाँ से आपको देखिए कॉन्केस बैच दिख रहा है, ये देखिए आपको कॉन्केस बैच दिख रहा है, कॉन्केस बैच आपके सामने ये रहा। कॉन्केस बैच में आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलने वाला है, आप इसको कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से प्योरली और लगता है कि सर और मुझे देखना है, तो आप यहाँ से ड्रॉपर बैच ले सकते हैं, ये आपके सामने ड्रॉपर, कोई सा भी बैच। आप इसकी कॉस्ट देखिए, अगर आप अभी तैयारी करना शुरू करते हैं और इसके देखेंगे तो 1150 आवर्स का है, बट हाँ ये डिवाइड करना पड़ेगा। आपको लगता है कि सर मैं अभी ना डेली 7-8 घंटे दे सकता हूँ, तो यस यू कैन जस्ट आप इस पे जा सकते हैं। ये देखिए इसकी कॉस्ट देखिए, आपके सामने ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपके सामने ये 7429 का है, आप यहाँ से व्यू ऑफर्स में जाइएगा। ठीक है, व्यू ऑफर्स में जाएंगे तो आप एक कूपन कोड लगा दीजिएगा Y497, किसी भी ब्रांच के हो आप इसको लगा सकते हैं। जैसे आप Y497 लगाएंगे, वैसे आपको ये कॉस्ट जो है ना 5436 का पड़ेगा। ठीक है, इसमें पूरा कोर्स अवेलेबल है रिकॉर्डेड में, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा जितना पढ़ सकते हो पढ़ना शुरू कर दो, सिलेक्शन लेना है अगर तो। ठीक है, अगर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों लेना है, ये आपका ड्रॉपर बैच है, तो आपका मतलब 5 महीने में कवर हो जाएगा। 5 महीने अभी आपके पास है, सितंबर आधा बचा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने 4.5 महीने। इन 4.5 महीने को ना ऐसे करना है कि मैं किसी को नहीं जानता, मुझे बस ONGC चाहिए, अगर आपके अंदर हुआ है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं कुछ और, फिर तो देखो यहाँ से गेट एंड इंजीनियरिंग, गेट एंड ESC, और आप यहाँ से व्यू ऑल पे जाओगे। व्यू ऑल में आपकी जो भी ब्रांच है, जो उस ब्रांच का आप यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करोगे। आपको लगता है कि मैं फाउंडेशन पे हूँ, तो फाउंडेशन 2024 वाले जो भी हैं, इनकेस अगर आप थर्ड ईयर में, तो अभी से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से कॉन्केस बैच पे जाते हैं, ये रहा आपके सामने कॉन्केस बैच। इस कॉन्केस बैच को देखेंगे तो आप इसमें भी ऑफर्स में जा सकते हैं, और आपके ऑफर के लिए मैंने आपको बताया, आपको कोड लगाना है Y497। जैसे ही आप लगाओगे, आपके लिए
ये डिस्काउंट 8999 का पड़ जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप प्लान कर लीजिए, और इसमें आपको पूरे जो भी आपके कोर्सेज हैं, जो भी आपके लेक्चर्स हैं, जो भी उनकी पीडीएफ हैं, वो सब कुछ मिलेगा। तो आपको एक सिस्टमेटिक स्टडी होगा एंड आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक द ओएनजीसी, ठीक है। तो ये बेटा मुझे जस्ट ओएनजीसी का जो भी था वो मैं एडवर्टाइजमेंट, अभी इसका पूरा फुल डिटेल में कवर करूंगा, अभी जैसे एडवर्टाइजमेंट मिलता है मैं इसे फुल डिटेल में कवर करेंगे, बट अभी के लिए इतना कि यस 23.6 अप्रॉक्सीमेटली 23.6 मतलब 24 का पैकेज है, इसके अलावा फैसिलिटी तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से आप अपना प्लान कर लीजिए, सेल्फ करना तो सेल्फ का प्लान कर लीजिए, कोचिंग करना तो कोचिंग में। अड्डा 24/7 के साथ आना है तो आप जस्ट रिमेम्बर दिस कोड Y497 और इसके थ्रू जो भी कोर्सेज हैं उनको परचेज करिए एंड जितना जल्दी हो सके अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करिए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपके पास 4 मंथ है एंड 4 मंथ एक इंजीनियर के लिए मोर देन इनफ है टू क्रैक एनी एग्जाम। आप अपने आप को बस टाइम दीजिए कि मैं 10 घंटे 12 घंटे दे सकता हूँ और देखना आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलो बेटा, आई विश कि मतलब आप ओएनजीसी में सेलेक्ट होंगे। कोई भी हेल्प की नीड हो तो मुझे बता दीजिएगा, कुछ भी अगर आपको और लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई विल फिनिश जो भी आपकी चीजें होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, आई विल फिनिश एवरीथिंग, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।